पीएफआई के ठिकानों पर बड़ा एक्शन, 25 जिलों में पीएफआई का कनेक्शन, एमपी के 5 जिले हॉटस्पॉट। जी हां, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी नेटवर्क फैला हुआ है। पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए के छापे के बाद अब एमपी के हर जिले में पीएफआई कनेक्शन की जांच के आदेश जारी हो गए। बीच शुक्रवार को भोपाल में एनआईए की टीम ने पीएफआई के 4 सदस्यों को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद चारों को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। आगे आतंक के पूरे नेटवर्क के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि पेश के बाद गिरफ्तार पीएफआई के सदस्यों ने क्या कहा। बहरहाल आरोप झूठे हैं या आरोपी बेगुनाह है, इसका फैसला तो कोर्ट करेगा। लेकिन सबसे पहले आपको एमपी के उन जिलों के बारे में बताते हैं जहां पीएफआई की अच्छी खासी मौजूदगी है। तो इनमें इंदौर, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर और रतलाम जैसे जिले शामिल हैं। गुरुवार को एनआईए की टीम ने इंदौर और उज्जैन में छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि इंदौर उज्जैन उसी मालवा क्षेत्र में आते हैं जहां आतंक का गहरा कनेक्शन रहा है। इतना ही नहीं, मालवा क्षेत्र को दहशतगर्दों के छिपने का सुरक्षित ठिकाना माना जाता रहा है। इसकी कई वजहें हैं, मसलन मालवा में छिपने के बहुत से आसान ठिकाने हैं। हर इलाके के लोग होने की वजह से यहां पहचाने जाने का खतरा कम है। सीधा सड़क संपर्क महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात से है, इसलिए मालवा निमाड़ अपराधियों के सुरक्षित पनाहगाह रहे हैं। सिमी और आईएम के कई आतंकियों ने यहाँ छिपने की बात कबूली है। सिमी आतंकियों ने तो मालवा निमाड़ में ट्रेनिंग कैंप तक आयोजित किए थे। माना जाता है कि मालवा निमाड़ में अब भी स्लीपर सेल सक्रिय है। दरअसल एमपी में दशकों से आतंकी और उनके स्लीपर सेल सक्रिय रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 2001 में अबू सलीम ने भोपाल में ही फर्जी पासपोर्ट बनवाए थे। 2003 में गुजरात एटीएस ने यहाँ शकील और रज्जाक को गिरफ्तार किया। इन पर गुजरात दंगे का बदला लेने के लिए आतंकी ट्रेनिंग देने का आरोप था। 11 जनवरी 2007 भोपाल के पिपलानी में नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री मिली। 2009 भोपाल के करोद इलाके से सीएम चीफ इरफान करेली गिरफ्तार। 1 जनवरी 2011 भोपाल के शाहजहानी पार्क से 2 हुजी आतंकी गिरफ्तार हुए। 12 जून 2011 हबीबगंज रेलवे स्टेशन से 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए। 1 अक्टूबर 2013 खंडवा जेल से 6 सीमी आतंकी फरार हो गए थे। 2 फरवरी 2016 भोपाल से आईएसआई का संदिग्ध एजेंट अजहर इकबाल पकड़ा गया। 31 अक्टूबर 2016 आधी रात भोपाल सेंट्रल जेल से 8 सीमी आतंकी फरार हो गए थे। आईएसआई, हुजी, सीमी, इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी एमपी में सक्रिय रहे हैं। तो समय समय पर एमपी में आतंक के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई होती रही है, लेकिन अब केंद्रीय एजेंसियां एमपी में दहशतगर्दों के नेटवर्क को ध्वस्त करने की खास तैयारी कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक एनआईए का क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में खुल गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी भी भोपाल में कार्यालय खोल सकती है। ईडी भी भोपाल में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है। स्लीपर सेल से जुड़े लोग केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर हैं। एमपी में टेरर फंडिंग पर भी एनआईए जांच कर रही है। तो अब दिल्ली से नहीं, सीधे भोपाल से पूरे प्रदेश पर नजर रखी जाएगी और दहशतगर्दों पर शिकंजा कसने के लिए टीम वर्क के साथ केंद्रीय एजेंसियां आतंक के नेटवर्क पर धावा बोलेंगी। टीम न्यूज स्टेट। आगर जिले के सुसनेर में एक पिता को अपने बेटे का किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए